वो हमारे यदुवंश बाबू नहीं होते तो हम रोड पर भटकते। ये बाबा कब बने आप? ये 2016 में बने हैं, जब हमारे साथ घटना हुआ उसके बाद हम बाबा बने हैं। हम ट्रक ड्राइवर थे लेकिन वो घटना ने हमको बाबा बना दिया। मतलब नौकरी में समझिए ना कि हमारा फजीहत हुआ, हमको मन टूट गया उससे। तो हम गरीब आदमी, हम तो भूखे मर रहे हैं, हमको रहने के लिए घर नहीं है, कोई एक रुपया नहीं देता है। हमारी पत्नी बीमार है, उसके सिर में दर्द है, कान से पानी चलता है, पेट में दर्द रहता है, उसके इलाज के लिए पैसा नहीं है। अधिकारी लोग क्या कहते हैं? अधिकारी सुनते नहीं, डीएम साहब के पास गए, डीएम साहब ने ऐसे कागज देखा और जैसे ही प्रधानमंत्री महोदय का मोहर देखा उसने कागज रख दिया। हम यहाँ इंसाफ मांगने के लिए आए हैं सरकार से। नमस्कार, मैं प्रियंका, आप देख रहे हैं जनहित आवाज। इस वक्त दिल्ली के जंतर मंतर पे हूँ। हमारे साथ जो बुजुर्ग हैं वो बिहार से आए हैं। देश में तमाम समस्याएं चल रही हैं, इनसे जानेंगे कि इनकी क्या समस्या है, क्योंकि जंतर मंतर पे और लोकतंत्र हमको मौका देता है, भारत का संविधान हमको मौका देता है अपनी आवाज़ बुलंद करने का। तो इनसे जानेंगे कि ये बिहार से जंतर मंतर क्यों आए, आप क्यों आए हैं यहाँ? हम यहाँ इंसाफ मांगने के लिए आए हैं सरकार से। हम लोग का घर, जगह, ज़मीन सब कोसी नदी में चला गया। पहले हमारे पास जगह ज़मीन सब कुछ था, लेकिन जब 2002 में जब महासेतु का काम चालू हुआ तो जो नदी हमारे घर से 8 किलोमीटर दूर बह रही थी उसको जेसीबी नाला द्वारा, जेसीबी मशीन द्वारा नाला चीर करके हम लोग की गाँव की तरफ पानी छोड़ दिया गया और हम लोग का जगह ज़मीन घर द्वार सब कुछ उसमें बह गए। हमारे पास अपना गाड़ी था, 10 चक्का ट्रक था, हम उसको चला करके अपना गुजारा कर रहे थे। तो हम गुवाहाटी से दिल्ली की तरफ आ रहे थे खाली गाड़ी लेकर के, हमारे साथ में 1.5 लाख रुपया था। तो बदमाशों ने धोखे से चाय में नशा दे दिया और वो हमारा सारा पैसा लूट लिया, और पैसा लूटने के बाद हमारा मानसिक संतुलन इतना बिगड़ गया कि हम पागल की तरह घूमने लगे, भटकने लगे। सिलीगुड़ी में हमारा गाड़ी खड़ा रह गया बंगाल में, तो हम बासुकीनाथ में थे तो वहाँ हमारे गांव वाले परिचित लोग आए थे जल चढ़ाने के लिए, तो उन्होंने ज़बरदस्ती वहाँ से हमें ले गया घर। घर जाने के बाद हमारे परिवार में तो कुछ था नहीं, जगह ज़मीन तो था नहीं, तो महिला की जो जेवर जात थी वो सब बेच करके हमारा इलाज हुआ। इलाज करने के बाद फाइनेंसर ने हमसे पूछा, श्रीराम फाइनेंस कंपनी था, उस हमसे पूछा कि भाई गाड़ी कहाँ है। हमने उसको बताया सारी बात, उन्होंने गाड़ी उठा करके बेच दिया। अब वो 4.5 लाख रुपया का लोन किया था जिसमें हम 1.5 लाख रुपया उसको दे चुके थे और बाकी पूरा गाड़ी भी उठा करके बेच लिया। अब 17 लाख रुपया हमसे मांग रहा है, अभी नोटिस हमारे पास है जज का कि वो 17 लाख रुपया दो, अब हम कहाँ से दे। इस दरमियान हमने सरकार से गुहार लगाई कि हमारे कुछ मदद किया जाए, हमारा व्यवस्था फिर से खड़ा किया जाए ताकि हमारे बाल बच्चा पल सके, ढंग से रह सके, लेकिन कोई ध्यान नहीं दिया गया। तो हम तो 2016 में जब हम दिमाग हमारा मानसिक संतुलन बिगड़ गया था तो हम ऐसे बाबा के साथ में घूमने लगे, जब बद्रीनाथ, केदारनाथ, मतलब कहाँ कहाँ भटके हमको खुद पता नहीं है। और उसी दरमियान हम पकड़े गए थे, तो अब तो हम बाबा बन गए। तो बाबा बन गए तो हम इसको बाबा बनना ही चाहते हैं और बाबा बनकर तो अब क्या दिक्कत है? जब आप बाबा बन गए तो अब क्या घर की ज़रूरत है? आप रहिए मंदिर में। बच्चे छोटे छोटे हैं, उस टाइम तो हमें पता नहीं था कि आगे हमको बाबा बन जाना है। एक तो अकस्मात घटना हो गया हमारे साथ, इस कारण से हम बाबा बन गए। तो हम ये चाहते कि हमें कोई ऐसा रोज़गार, हम सब ना 25 साल से ड्राइवरी किए हैं, हमें ट्रक का पूरा ज्ञान है, हम उसी में से गाड़ी बनाए थे अपना कमा करके। तो हम सरकार से ये चाहते कि हमको एक गाड़ी फिनांस किया जाए, लोन किया जाए, ताकि हमारे बाल बच्चा सही ढंग से उसको चला करके अपना गुजारा करे, हम उसको मैन गाइड करेंगे, चलवाएंगे। और हम बाबा बन करके जल कल्याण का काम करना चाहते हैं। हमारे पास, हमको 3 लड़का है, कोई लड़की नहीं है। हमने कुछ गरीब घर की जो लड़कियां होती है, जो बेबस है, उसकी शादी करवा, हम 101 लड़की की शादी करवाने के लिए संकल्प ले रखे हैं कि हम बाबा बने तो हम 101 लड़की की शादी करवाएंगे। ये बाबा कब बने आप? ये 2016 में बने हैं, जब हमारे साथ घटना हुआ उसके बाद हम बाबा बने हैं। उससे पहले हम बाबा नहीं थे, हम ट्रक ड्राइवर थे, लेकिन वो घटना ने हमको बाबा बना दिया। अब हमारे बच्चे हैं, उसके लिए हम रोज़गार कोई मिल जाएगा जो भटक रहा है, अभी दर दर की ठोकरें खा रहा है, गालियाँ खा रहा है, खाने के लिए घर में अनाज नहीं है, रहने के लिए घर नहीं है, अपना जगह ज़मीन नहीं है, सब नदी। हमारे वहाँ के स्थानीय विधायक था यदुवंश बाबू,
उन्होंने 2 कट्ठा जमीन दिया तो उसमें हम घर बना करके रहे। अब कोई रोजगार नहीं, कोई काम धंधा नहीं है। कुछ दिन हम बीच में ड्राइवरी भी किए थे, अब ड्राइवरी करने के लिए जाते हैं तो सही से तनख्वाह नहीं देता है, काम करवा लेता है पैसा देता नहीं है। क्या कहते हैं? बस जैसे आप 10,000 का काम किए तो 5,000 दिया, 5,000 अभी ले लेना लेते लेते वो देता ही नहीं है। उसके बाद हम बस चला रहे थे, बस में भी पैसा नहीं दिया, मतलब नौकरी में समझिए ना कि हमारा फजीहत हुआ, हमको मन टूट गया उससे, हम छोड़ दिए नौकरी। अब हम अपना रोज़गार चाहते हैं कि हमको सरकार कुछ मदद करे, गाड़ी हमको लोन पर फाइनेंस करे जो हम अपना चला करके उससे परिवार को ठीक ढंग से पाल पोस सके और अपना काम कर सके। तो क्या उम्मीद है आपको कि आप बिहार से जंतर मंतर आए हैं, क्या लग रहा है सरकार आपकी मांग सुनेगी? हम तो 4 बार आ चुके हैं यहाँ पर, अब यहाँ से सरकार कार्रवाई करता बिहार भेज देता, अब बिहार में कोई कार्रवाई नहीं होती है। बिहार से रुका हुआ है आपका काम? हाँ, यहाँ से प्रधानमंत्री कार्यालय से, ये देखिए हमारे पास कागज है, इन्होंने बिहार भेज दिया, कार्रवाई किया यहाँ से, अब बिहार में कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है, कोई सुनी नहीं। वहाँ पर अब हमारे जो गांव में आपसी लेन देन है उसमें भी हमको लोग परेशान कर रहे हैं, हम इसके बाबत प्रशासन के पास गए लेकिन वो भी कोई कार्रवाई ढंग से नहीं कर रहा, कोई सुनवाई नहीं कर रहा, इसलिए हम मन दुखी मतलब परेशान होकर के हम यहाँ आए हैं। ये देखिए, ये हमारा ये 2020 का दिया हुआ आवेदन है आदरणीय प्रधानमंत्री जी को, लेकिन तो वही प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि पकौड़ा तलिए रोजगार मिल जाएगा। पकौड़ा तलिए, अब हमको पकौड़ा तलने, हम तो सब दिन ट्रक चला आए हैं, हमको पकौड़ा तलने आता नहीं है, हम कैसे करेंगे तब? जो काम जो करता है, आप पत्रकारिता करते हैं, आपको दूसरा काम नहीं ना हो सकता है? जो काम जो करा जाए सब दिन हमको उसी में ढंग है, उसी में हम सब दिन करते हैं, उसी का हमको तजुर्बा है, सब कुछ है, तो उसी में हम कर सकते हैं। इसीलिए सरकार को हम कहते हैं कि हमको एक रोज़गार दीजिए, रोज़गार के तौर पर हमको एक गाड़ी फिलांस कर दीजिए जो हम अपना बाल बच्चा को संभाल सके, कमा करके खिला सके। ये सब डॉक्यूमेंट कहाँ से ले आए हैं आप? ये सब सरकार को दिया हुआ डॉक्यूमेंट है जिस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही है ढंग से ठोस। ये देखिए, ये PMO का कार्य है लेकिन वहाँ बिहार जाने के बाद इसको कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा है। क्या कहते हैं जब बिहार में जाते हैं तो क्या कहते हैं अधिकारी लोग, क्या कहते हैं आप? अधिकारी सुनते नहीं, DM साहब के पास गए, DM साहब ने ऐसे कागज देखा और जैसे ही प्रधानमंत्री महोदय का मोहर देखा उसने कागज रख दिया, बोला जो हो गया काम। भाई क्या हो गया, अब तो कुछ आप तो बताए नहीं, कोई कार्रवाई किए नहीं तो कैसे हो गया? हमको तो, हम गरीब आदमी, हम तो भूखे मर रहे हैं, हमको रहने के लिए घर नहीं है। ये झोला में कागज लेके कितना दिन से भटक रहे हैं आप, जरा झोला दिखाइए, ये झोला में कागज लेके कितना दिन से भटक रहे हैं? ये हम 2018 से भटक रहे हैं, 2018 से हम झोला लेकर के ये सब कागज, ये देखिए, ये कोर्ट का आदेश है, ये 17 लाख रुपए का मांग कर रहा है, इसमें हमारे पास जगह नहीं, घर नहीं है रहने के लिए, ठिकाना नहीं है, खाने के लिए दाना नहीं है, कहाँ से देंगे हम 17 लाख रुपए सरकार को? और फाइनेंसर क्या किया है, तो नेट पर नाम चढ़ा दिया डिफॉल्टर में, कहीं से हमको कोई संस्था 1 रुपया का लोन नहीं देता है। समाज में हमको जो कुछ आपसी लेन देन वाले थे उन्होंने बदनाम कर रखा है कि ये चोर है, बेईमान है, झूठा है, लुच्चा है, कोई 1 रुपया नहीं देता है। हमारी पत्नी बीमार है, उसके सिर में दर्द है, कान से पानी चलता है, पेट में दर्द रहता है, उसके इलाज के लिए पैसा नहीं है। सरकार तो दावा कर रही है कि जहाँ पे भी आपदा आई है सबको मुआवजा मिला है, 1 रुपया नहीं दिया है, स्थापित भी नहीं किया है, बसने के लिए जगह भी नहीं दिया है। वो हमारे यदुवंश बाबू नहीं होते तो हम रोड पर भटकते, हमारे यदुवंश बाबू नहीं होते तो हम रोड पर भटकते। उन्होंने दया करके हमको 2 कट्ठा जमीन दिलवाया है तब उसमें घर बन, मतलब झोपड़ी बना करके हम रह रहे हैं, खाने लिए दाने का मोहताज है हमारा परिवार। हमारा पैर टूट गया है, देखिए ये पैर टूट गया था, इलाज के लिए पैसा नहीं है तो दिल्ली आ करके इलाज करवाया सरकारी हॉस्पिटल में, वहाँ बिहार में जब गए सरकारी हॉस्पिटल, ये देखते हैं, ये देखिए कागज, वहाँ का डॉक्टर कहता कि हम ये सरकारी हॉस्पिटल में फोड़ा भी नहीं फोड़ते हैं, चलिए हमारे प्राइवेट हॉस्पिटल में तब इलाज करेंगे। ये देखिए, ये सब डॉक्यूमेंट है ये डॉक्टर का, इसमें यहाँ पर कोई इलाज नहीं करता है।
तो आप लोग साफ तौर पे देख पाएंगे ये बिहार से आए हैं और वहीं सरकार दावा करती है कि जहाँ पे भी आपदा आती है, मुसीबतें आती हैं, तो वहाँ पे सरकार मदद करती है, मुआवजा देती है। लेकिन आप सच्चाई जब धरातल पे देखेंगे कि किस तरह से ये भटक रहे हैं 2018 से, और इनकी दिमागी संतुलन भी ठीक नहीं थी, सरकारें किस तरह से नकार जाती हैं इन चीज़ों को, इस खबर में आप देख पाएंगे। इस खबर पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में